आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, मैं हूं संदीप नेगी, आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड खबर। मेरे साथ इस समय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं। सर, आपने कल MDDA जो कर्मचारी उनकी बैठक भी ली थी, लगातार सड़कों के भी बुरे हाल हैं और कई जगहों पर लगातार भूस्खलन जैसी वो दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ रहा पूरा दौरे में? देखिए, क्योंकि बारिश बारिश से बहुत नुकसान हो रहा है, कई जगह सड़कें टूट गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। मैं लगातार क्षेत्र में जाकर जनता के बीच में उसका सिग्नल ले रहा हूँ। कल मैंने MDDA के अधिकारियों को बुलाया था, उन्होंने निश्चित किया है कि तुरंत एक समय सीमा के अंदर इन सड़कों को दुरुस्त किया जाए, शीघ्र ही सड़कें ठीक होंगी। और दूसरा, मैंने कहा कि जब सड़क बनाएं तो पानी की निकासी सुनिश्चित करें। अक्सर देखने में क्या था कि पानी निकासी न होने के कारण सड़कें जो हैं टूट जाती हैं। मैंने अधिकारियों को निश्चित किया। सर, उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री हैं आप, उत्तरकाशी में लगभग जो आपदा आई है उसके चलते आज संभवतः दौरा भी है, क्या कुछ रहेगा वहाँ पे, कुछ आदेश वगैरह आपने दिए? उत्तराखंड में आपदा ये स्वाभाविक है कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन विषय है कि आपदा को तो कोई रोक नहीं सकता, प्राकृतिक आपदा को। लेकिन आपदा के बाद लोगों में जाकर उनकी चिंता करना, उनके दुख को कम करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, तीन लोगों की वहाँ पर कैजुअल्टी हुई है, सरकार द्वारा जो मेन मुआवजा उनको दे दिया गया है, अन्य लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। तो संभवतः मैं अभी जैसे मौसम की जानकारी मिलेगी, मैं और सीएम साहब पर्सनली हम वहाँ पर जा रहे हैं, और ऐसे संकट की घड़ी में पूरी सरकार इन लोगों के साथ में खड़ी है। सर, एक चीज़ जो पांचवा धाम की बात आ रही है सैन्य धाम को लेकर, उसके क्या कवायद है उसमें? देखिए, सैन्य धाम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है। जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में चार धाम है, पांचवा धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया में है और शीघ्र ही हम जितने फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक जितने शहीद हुए हैं, हमने एक शहीद सम्मान यात्रा हम निकाल रहे हैं जिनमें उन शहीदों के घर से मिट्टी लेकर हम आएंगे कलश में, और उनके परिवार वालों को सम्मान स्वरूप एक सम्मान पत्र हम देंगे और उस मिट्टी को यहाँ पर लाकर सैन्य धाम का निर्माण होगा। उसमें शहीदों के जहाँ चित्र और विवरण उसमें होंगे, वहीं लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीर गाथाएं वहाँ पर दिखाई जाएंगी, म्यूजियम वहाँ पर होगा और आप ये टैंक वेपन्स जितने इक्विपमेंट्स वहाँ पर होंगे ताकि एक अट्रैक्शन वहाँ पर बने। और क्योंकि उसको हमने सैन्य धाम का नाम दिया है, भारतीय सेना में दो सैनिकों को पूजा जाता है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उनके मंदिर पर होंगे और 1 सितंबर से हमारी इस यात्रा को हम शुरू करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल ये भी है कि चूँकि 2022 के लिए बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए, अब कैसा आप देखेंगे, क्योंकि सरकार को अब कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, या फिर पिछले 4 साल कैसे देखते हैं, चूँकि नेतृत्व परिवर्तन भी 2 बार हो चुका है? चाहे हमारी पिछली सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, पूरे 5 साल हमारी सरकार लगातार जो है पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और युवा मुख्यमंत्री के आने से तो लोगों में एक अपारा उत्साह है। अभी मैं उत्तरकाशी के दौरे पर गया था और लोगों का जो उत्साह मुझे दिखाई दिया, इस बात का संकेत है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है और 2022 में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले 2022 में एक बार फिर भाजपा की सरकार उत्तराखंड प्रदेश में आने वाली है। कैमरामैन किशोर रावत के साथ मैं संदीप नेगी, उत्तराखंड खबर, देहरादून।